50 लाख पौधे पूरे प्रदेश के अंदर आज रोपित किए जाएंगे। 5 पौधे जरूर उन 5 हमारे वीर शहीदों के नाम रोपित करें। राज्य के अंदर हम जो भी विकास का मॉडल बनाएंगे उसमें इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों ही होंगी। हरेला पर्व के अवसर पर प्रदेश भर में पौधारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी क्रम में वन विभाग की ओर से शहीदों के नाम पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण कर प्रदेश की जनता को आह्वान किया, अपने घर या फिर खाली पड़े जमीनों पर पौधारोपण कर प्रदेश में हरियाली लाने का काम करें, जिससे न सिर्फ पर्यावरण का संरक्षण होगा बल्कि समृद्धि और खुशहाली भी आएगी। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के जो 5 वीर जवान शहीद हुए हैं उनके याद में 5 पौधों का रोपण किया गया है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, आइए आपको सुनाते हैं। हरेला पर्व हमारा प्रकृति के संवर्धन का, प्रकृति के संरक्षण का और प्रकृति के पूजन का एक महापर्व है और इस पर्व पर हमने तय किया है 1 करोड़ से अधिक सभी विभाग हमारे पेड़ और वृक्षों को रोपित करेंगे, पौधों को रोपित करेंगे। और आज के दिन, आज पर्व के दिन 50 लाख पौधे पूरे प्रदेश के अंदर आज रोपित किए जाएंगे। और साथ ही आज हमने इस हरेला पर्व की शुरुआत हमारे देवभूमि उत्तराखंड के 5 वीर जो वीर गति को प्राप्त हुए भारत माता की रक्षा के लिए, उनके स्मरण में आज 5 पौधों को रोपित किया गया। और मैं सभी से अपील करता हूं पूरे राज्य के अंदर कि अपने आसपास 5 पौधे जरूर उन 5 हमारे वीर शहीदों के नाम रोपित करें, जिससे कि आने वाले समय में हमारी भावी पीढ़ियां उन सबका स्मरण कर पाए, उनको अपने स्मरण में रख पाए, उनसे प्रेरणा लेकर देश की सेवा कर पाए। देखिए वो चूंकि वो भी हमारे बहुत ही उनका जो बलिदान है, जो उनकी इस प्रकार से जो उनका जीवन हमारे बीच में नहीं रहा, निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, वो भी हमारे स्मरण में रहे। और ये हमको याद दिलाता रहेगा कि हमको वनाग्नि है, हमारे राज्य में होने वाली आपदाएं उनके प्रति किस प्रकार से काम करना है। और हर वर्ष हम उनके स्मरण को, उनको स्मरण करके जो होने वाली जो आपदाएं हैं, होने वाली जो हमको चुनौतियां हैं, उनसे हम निपट पाए और हमारे सभी लोग उनका नाम भी अपने स्मरण में रख पाए। हर साल आपने बड़े कड़े विकास के नाम पर जो है वो कई 100 पेड़ों का कटान भी होता है, इसी में आप देख रहे हैं सर। अब हम लोगों ने ये तय किया है कि अब राज्य के अंदर हम जो भी विकास का मॉडल बनाएंगे उसमें इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों ही होंगी, दोनों पर, दोनों का बैलेंस करते हुए और दोनों का एक सामंजस्य बनाते हुए हम विकास को आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरेला पर्व हमारे जीवन में सुख समृद्धि, सामाजिक सद्भावना का संचार करने के साथ ही हमें प्रकृति से जोड़ने का काम करता है। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए पंजाब केसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।